मेरे का चंची किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। ये मैंने आलू लिए हैं, ये है साग, प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और तेज़पत्ता और लाल मिर्च और कुछ मसाले। हमने अपनी गैस ऑन कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे हींग। लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा। गैस को फ्लेम हम कम कर देंगे। साथ में डाल देंगे अपना लहसुन। प्याज को हल्का सा हम सोटे कर लेंगे। और अपनी हरी मिर्च, अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद हो। इससे प्याज जल्दी गल जाएगी हमारी। मिक्स कर देंगे इसे। अब हम ऐड करेंगे अपने टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद में हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, जिससे हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। हम एक बार अपनी चाट मसाला चेक कर लेते हैं। हमारे टमाटर हल्के हल्के गलने लगे हैं, पर पूरी तरीके से भी गले नहीं है। इसमें भी थोड़ी देर के लिए और कवर कर देंगे इसे। हम एक बार फिर चेक कर रहे हैं। हमारे टमाटर काफी हद तक गल चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक और हाफ लाल मिर्च पाउडर और 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको मिक्स कर देंगे। और इसे हम जब तक भूंजेंगे जब तक हमारा तेल मसाले से अलग ना हो जाए। फिर गैस को हम कवर कर देंगे अपनी कढ़ाई को। एक बार हम अपना मसाला फिर चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले के ऊपर तेल काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। देखिए, यानी हमारा मसाला काफी अच्छी तरह से भून चुका है। जो हमारे टमाटर थोड़े से खड़े हैं उनको भी दबाते हुए तोड़ देंगे कि वो बिल्कुल मैश हो जाए, प्यूरी सी बन जाए उनकी। साथ में हम ऐड करेंगे अपने आलू। हमने अपने आलू डाल दिए हैं, अब इसे हम मिक्स कर देंगे।
और आलू को थोड़ी देर के लिए हम कवर करके भून लेंगे इसमें। एक बार हम अपने आलू चेक कर लेते हैं। हमारे आलू मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना पालक। ये पालक हल्का सा मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, इससे हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाए। और 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। हम एक बार अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। एक आलू को निकाल के हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आलू गला है कि नहीं। अभी थोड़ा सा कच्चा है हमारा आलू, थोड़ी देर के लिए हम और चलाएंगे इसे। पांच मिनट के लिए इसे हम और कवर कर देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, हम अपनी सब्जी एक बार फिर चेक कर लेते हैं। और हमारी सब्जी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया, तेल ऊपर आ चुका है, यानी हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। अब गैस को करेंगे हम बंद और फिर थोड़ी देर में इसकी प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार है आलू पालक की। अगर आप मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।